हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। बहुत बहुत स्वागत है आपका जसटेक सिनेमा चैनल के एक और नए एपिसोड के अंदर। और मिठाइयां बंटवा दो भाई, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के बाद हमने भी ट्रिपल सेंचुरी मार दी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि ये एपिसोड के अंदर टोटो को लेके आना, लेकिन भाई दिल से सॉरी, क्योंकि आज फ्राइडे है और मुझे 2-3 बार थिएटर में जाना है। तो आप जो सजा दोगे वो मंजूर है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कुछ दिनों के अंदर जरूर से टोटो को लेके आऊंगा। बाकी कमेंट्स के अंदर धक्का मुक्की मत करना गालियां बोलने के लिए, बस अभी शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन मूवी से, जहां औरों में कहां दम था मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के अंदर। जब अजय देवगन से पूछा गया कि मूवी 15 अगस्त पर रिलीज होने के बारे में क्या कहना चाहते हो आप, तो अजय देवगन ने बताया कि वो अभी श्योर नहीं है, मूवी की शूटिंग अभी बाकी है रे। इसके बाद आज ही जब मैं इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी इस मूवी की नई रिलीज डेट रिवील कर दी गई है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये मूवी इस साल दिवाली के वीकेंड पर ड्रॉप होगी। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि इस मूवी की डेट क्लैश करेगी कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की बुलबुलैया 3 से। अगली अपडेट की बात करें तो कल की 2898 AD मूवी के अराउंड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती दिख रही है, जहां ट्रेलर के ड्रॉप होने के बाद से मूवी को काफी सारा प्यार ऑडियंस से तो मिला ही है, लेकिन साथ में एक साउथ कोरियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने एक एलिगेशन भी डाला है कल्कि की टीम के ऊपर भाई, जहां उन्होंने अपना आर्ट वर्क और ट्रेलर के एक फ्रेम को कंपेयर करते हुए कहा कि कल्कि के मेकर्स ने उनसे आर्ट वर्क बिना उनकी परमिशन के यूज किया है। अब कल्कि की ऑफिशियल टीम का इसके ऊपर स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन काफी सारे लोग ऑलरेडी इस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स करके बताना। इसके अलावा कल की मूवी के सॉन्ग्स रिलेटेड भी अपडेट है, जहां इस मूवी में कितने सॉन्ग्स होंगे ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इनसाइडर सोर्सेज से हमें ये पता चला है कि प्रभास की इस मूवी के किसी एक सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को ऑन बोर्ड ले लिया गया है और वो कल की मूवी के लिए एक सॉन्ग गाने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आज दोपहर 2:58 पर हमें कनप्पा का टीजर देखने को मिलेगा। अब इस टीजर को तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक टीजर आ चुका होगा, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता दें। अगली खबर आ रही है जूनियर NTR और कोरतला सिवा की देवरा मूवी से। तो जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा था कि मूवी अब ऑफिशियली प्रीपॉन्ड हो चुकी है, जहां ये मूवी 27 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। आगे बात करें तो मेडॉक फिल्म्स के सुपर नेचुरल यूनिवर्स की अगली मूवी 3-2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है, जहां ये मूवी इस साल इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को रिलीज होगी। तो हां, अजय देवगन की सिंघम अगेन के पोस्टपोन होने के बाद जो क्लैश थोड़ा सा छोटा हो गया था, वो फिर एक बार फोर वे क्लैश बन चुका है, जहां अक्षय कुमार की खेल खेल में जॉन अब्राहम की वेदा, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज होगी। और मजे की बात तो ये है कि चियान विक्रम की थंगलन मूवी को भी 15 अगस्त के रिलीज के लिए रेडी किया जा रहा है। और इन मूवीज के अलावा सबसे बड़ी मूवी भाई पुष्पा 2 द रूल तो है ही लाइन में, उसको तो मैं अभी हिसाब में गिन भी नहीं रहा हूँ भाई। अगर पुष्पा 2 डिले होती है तो ठीक है, लेकिन अगर डिले नहीं होती है तो भाई पता नहीं उस दिन तो क्या ही होगा। नेक्स्ट अपडेट है आलिया भट्ट और वेदांग रैना की धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली फिल्म जिगरा से, जहां इस मूवी की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है, जहां ये मूवी 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस मूवी की शूटिंग पिछले महीने ही रैप अप हो चुकी है। अगर आपको याद ना हो तो इसी वीकेंड में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म विद 10 भी रिलीज होगी। तो माहौल ऐसा है कि जिधर भी नजर घुमाओ क्लैश ही क्लैश दिख रहा है भाई। आगे बात करें तो आमिर खान के बेटे जुनैद खान की OTT डेब्यू फिल्म महाराज, जिसको आज रिलीज होना था, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने इस मूवी को लेकर आपत्ति जताई थी। BHP के लेटर भेजने के बाद नेटफ्लिक्स और YRF ने उस लेटर को लेकर अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जिसके बाद ये केस गुजरात हाईकोर्ट में जा चुका है, जहां हाईकोर्ट ने मूवी के रिलीज पर स्टे लगाने का ऑर्डर दिया है। तो हाँ, अभी के लिए इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया है, बाकी देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर, उसके बाद क्या होता है मैं आपको जरूर से बता दूंगा। उसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया। अगली खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म रौतु का राज से, जहां ये मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। साथ ही इस मूवी के अंदर हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक कॉप के किरदार में दिख रहे हैं, जिसके अलावा ये मूवी रिलीज होने वाली है 28 जून को Zee5 के ऊपर। अगली अपडेट है रणवीर शौर्य और मनोज जोशी की फिल्म गोधरा से, जहां इस मूवी का ऑफिशियल टीजर ड्रॉप हो चुका है। साथ ही इस टीजर को शरद केलकर ने अपनी आवाज में नरेट किया है। इसके अलावा मूवी CBFC से पास हो चुकी है और ये मूवी रिलीज होने वाली है अगले महीने 12 जुलाई को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गैंग्स ऑफ गोदावरी फिल्म अपने 14 दिन के थिएट्रिकल रन के बाद अब नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है, जहां इस मूवी को आप तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है चंदू चैंपियन मूवी की। तो भाई फिल्म मैंने देख ली है और इसका डिटेल में रिव्यू मैंने जस्टा के ऊपर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से देखना। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, सबको थिएटर में जाके इस फिल्म को देखना चाहिए। बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जो हर बंदे को, इंडिया के हर बच्चे को पता होनी चाहिए। और आज की अपनी लास्ट अपडेट है मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म विश्वंभरा से, जहां इस मूवी के एक इंपोर्टेंट किरदार के लिए एक्टर कुणाल कपूर ऑन बोर्ड आ चुके हैं। विश्वंभरा एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी होगी, जिसमें चिरंजीवी के साथ साथ त्रिशा कृष्णन भी दिखेगी। साथ ही ये फिल्म अगले साल संक्रांति के वीकेंड पर रिलीज होने वाली है, जिसमें फिर से एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ओके,
देन आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज अपना एपिसोड नंबर है 300, आपने कौन से एपिसोड से वीडियोस को देखना शुरू किया था, प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे देख के अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तो टाइम से आ जाना। दिस इज जय सिंह वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।